ये रहा आपका पार्ट टू, और यहाँ पे हम देखेंगे सारे के सारे सवालों का विस्तृत हल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 101 देखिए, ये रीजनिंग का पहला सवाल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट टू है ये। यहाँ पे कहता गया है कि इंडिया को लिखा गया है RMWRZ से, क्यों लिखा गया है इसका पता कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे हम कि चाइना को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर, तो इंडिया को हम यहाँ पे लिख लेते हैं INDI एंड देन ए। आई यहाँ से कौन सी पोजीशन पे है, लेफ्ट से होता है, ये नाइन्थ पोजीशन पे। ठीक है, इसके लिए लिखा गया है आर को लिखा गया, आर भी नाइन्थ पोजीशन पे है क्या? जी हाँ, राइट से, ये जेड से हम शुरू करेंगे तो ये भी नाइन्थ पोजीशन पे है। ऐसे ही आई के बाद एन आ रहा, देखिए ये एन, तो एन की क्या पोजीशन है, इधर से 13वीं है। इंग्लिश वर्णमाला की बात चल रही है, ए से शुरू करते हैं तो एन 13वीं पोजीशन पर चलता जाता है, और एन के बदले लिया क्या है इसने, एम को लिया है, तो एम भी 13वीं पोजीशन पे जाता है, जबकि हम जेड से शुरू करते हैं, अंत से शुरू करते हैं। तो ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हमें निकालना किसके लिए, चाइना के लिए, तो चाइना को ले लेते हैं यहाँ पे हम, बाकी सारी चीज़ें छोड़ करके चाइना। आप चाहो तो बाकी सब के लिए भी चेक ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब चाइना के लिए देखिए सी, ए से शुरू करते हैं, सी कौन सी पोजिशन पर आता है, थर्ड पोजिशन पर आता है, और लास्ट से शुरू करेंगे जेड से, तो सी कौन, तो थर्ड पोजिशन में क्या आएगा, एक्स आएगा। इसका मतलब एक्स से हमारा आंसर शुरू होना चाहिए, और एक्स से आंसर शुरू होगा तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा इनफैक्ट बनेगा। एच के पास चलते हैं, एच कौन सी पोजिशन पर आता है, एटवीं पोजिशन पर आता है, आठवीं ए की तरफ से, तो इधर से लास्ट से जेड से जो आठवीं पोजिशन पर आएगा वो क्या आएगा, एस। तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स में मैच करो, एक्स और एस कहीं पर आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो हमारा आंसर हमें मिल गया, आगे कुछ करने की ज़रूरत हमें है नहीं। तो देखो एक्स एस यहाँ पे मिल गया, कहीं और है ही नहीं ये, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इससे आगे इस सवाल में कुछ करने की आपको आवश्यकता कतई भी नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, जहाँ इतना मिल जाता है बस इतना मोर देन सफिशेंट है। अब चलते हैं 102 नंबर पर, 102 नंबर है हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल। अब ब्लड रिलेशन के इस सवाल को अगर आप गौर से देखोगे तो क्या कहता है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, आप ऐसे ही चार्ट बनाते जाओ जैसे जैसे ये कहता जा रहा है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो ए क्या है, बी का भाई है, इसका मतलब ए तो मेल हो गया, हमने प्लस लगा दिया इसके ऊपर क्योंकि हम मेल है, ये दिखाना चाह रहे हैं, भाई भी है ये ब्रदर, तो हमने इसको क्या लिखा, बी आर, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, बी आर, सही नहीं हो रहा, ओके बी आर लिख लिया हमने इसको। ठीक है, उसके बाद किसका भाई है, बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में अभी नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। ओके, सी ए की बहन है, अब यहाँ पे कोई सी भी है जो ए की बहन है, इसका मतलब सी कौन है, फीमेल है, और इसने कहा कि बहन है, तो हमने इसको SIS लिख दिया, सिस्टर। ठीक है, आगे ये क्या कहता है, डी ई का भाई है, अब कोई डी और ई भी है यहाँ पे, चलो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। आगे ई आर की बेटी है, सॉरी ई बी की बेटी है, तो बी हमारे पास ये है, इसकी बेटी कौन है, ई, तो ई भी फीमेल हो गई, और है कौन, ये डॉटर, DAU डॉटर लिख दिया हमने इसको शॉर्ट में, ताकि हम कंफ्यूज ना हों। ठीक है, और ये बी की बेटी है, डी का चाचा कौन है, अब एक मिनट जो हमने बीच में छोड़ा था, बीच में कुछ क्या छोड़ा था हमने, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो ई तो हमारे पास ये है डॉटर, ये है ई, और इसका भाई क्या है, डी, तो डी भी मेल हो गया। अब इसने हमसे पूछा गया डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन होगा, जो बी का भाई होगा, बी का भाई कौन है, ए, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 103 नंबर क्या कहता है, ए बी का भाई है, ये भी सेम सवाल है, ब्लड रिलेशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होगा, जो भी इसको पढ़ के हम कर लेते हैं, ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर हमें पता चल चुका है कि वो तो भाई है, तो वो क्या होगा, मेल होगा, हमने प्लस लगा दिया इसके ऊपर, और भाई है तो बी आर हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, आगे कहता है बी टी की बहन है, ये तो बी का भाई था, और बी की बहन, बी टी की बहन भी है, लेकिन टी का जेंडर हमें नहीं पता, बी चूँकि टी की बहन है इसका मतलब बी फीमेल है और वो सिस्टर है, SIS लिख दिया हमने इसको। ओके, अभी टी के बारे में पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की, टी पी की माता है,
अब इसने कह दिया कि टी पी जी माता है, मतलब पी कौन है, अगली पीढ़ी में आ गई, आ गया कोई पी, ये चूँकि माता है तो हमने इसको माँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम इंडिया कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, टी भी फीमेल हो गई, बी भी फीमेल हो गई, ए मेल है, आर पी के नाना हैं, अब पी के नाना कौन है, आर, तो ये और भी पिछली पीढ़ी में चले गए, ठीक है, और इनके ऊपर प्लस लगा दिया हमने, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने नाना, इंग्लिश में करो तो उसी हिसाब से ग्रैंडफादर, हिंदी में कर रहे हैं तो हम नाना लिख दिया हमने, ओके जी। तो अब पता करना है कि हाउ इज दी रिलेटिव, सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए 104, यदि वर्षा पानी है, वर्षा क्या है, पानी है, ठीक है, और ऐसे ही बनता चला जाएगा। आगे जाके कहता है बादल आसमान है, आसमान समंदर है, बादल जो है, बादल क्या है वो, आसमान, और आसमान क्या है, समंदर, ठीक है, और समंदर आगे रास्ता है, आप चाहो तो लिख लेना, हम लिख नहीं रहे, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा वीडियो तो आपको देखने में आसानी रहेगी। तो हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, इनफैक्ट हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आसमान को तो हम कह रहे हैं समंदर, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, समंदर। तो समंदर देखते हैं कहाँ पे है, समंदर है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 105 देखिए, ये भी बेहद आसान है और इसको आप अगर सही से देखेंगे तो देखिए 7 से हम 16 पे पहुंच रहे हैं, 16 से 34 पे, और 34 से आगे हमें देखना कैसे हम पहुंचेंगे और क्या आएगा। 7 से जब 16 पे पहुंचेंगे, 7 × 2 करेंगे और +2 कर देंगे, तो ये हमें 16 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही जब 16 से 34 पे पहुँचे तो कैसे पहुँचे, 16 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, +2 किया, तो ये लिया हमें 34, 34। उसके बाद हम यही टेक्निक फिर से अपनाएंगे, 34 × 2 कर देंगे, +2 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 70। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 70। अब आप देख लो 70 कहाँ पे दिया हुआ है, और थोड़ा सा समय निकाल के बाकी दोनों नंबर जो हैं इनको भी चेक कर लो कि लॉजिक वहाँ पे फिट बैठता है या नहीं बैठता। हमारे हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप एक बार पेन चला के थोड़ा करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखाई देंगी, अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। नेक्स्ट 106 देखो क्या कहता है, कथन ए के लिए, और ए और आर का इन्होंने रिलेशनशिप बताना है, क्या रिलेशनशिप है। तो कथन कहता है भूमि के अंदर धातु पिंगली अवस्था में है, ठीक है, कथन ठीक है, पिंगली अवस्था में होती है, भूमि सूर्य के किरणों को समाहित कर लेती हैं, हाँ एब्जॉर्ब तो करती है भूमि कुछ, हालांकि वो वापस भी करती है, परावर्तित भी करती है, लेकिन कुछ किरणों को, कुछ गर्मी वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका मतलब कथन दोनों सही है, लेकिन आर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ए को, तो ऑप्शन कौन सा फिट बैठेगा, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 107। अब देखिए पहले हमें यहाँ क्या करना, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, हम यहीं पे कर लेते हैं, इसी के लिखे हुए को यूज़ कर लेते हैं। इसने लिखा ही इज़ नॉटी, और दूसरे स्टेटमेंट में इसने कहा सी इज़ क्यूट, तो यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों सेंटेंस में, इज़ कॉमन है, ओके, और यहाँ पे जो कोड दिया है इसमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, इसका मतलब इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, 7 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इसके लिए 7, बाकी सब चीज़ें आप हटा दो, हम हटा देते हैं, इनफैक्ट इसके लिए 7 है, तो हमने यहाँ पे इसके लिए दोबारा से 7 लिख लिया है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे और तीसरे को, पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यह हो रहा है, देखो कॉमन क्या है, क्यूट, यहाँ पे भी क्यूट है, यहाँ पे भी क्यूट है, और हमें कोड में क्या मिल रहा है, कॉमन कोड में मिल रहा है 2, ठीक है, इसका मतलब 2 किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, 2 का प्रयोग किया गया है क्यूट के लिए, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो सी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, भाई 7 भी आ गया हमारे पास, और ये भी आ गया, 2 भी आ गया, और ये दो, इन दोनों के लिए किस किस के लिए ये प्रयोग हुए वो भी हमें आ गया, अब हमें चाहिए लेकिन सी का, तो देखते हैं सी कहाँ पे है, और इन दोनों को रख करके सी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। देखिए सेंटेंस 2 देखिए आप, सेंटेंस नंबर 2 यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्यूट भी है, इज भी है,
और सी भी है। अगर क्यूड और इसको हम हटा दें, ठीक है, और इधर से सात और दो को भी हटा दें, सात और दो को तो हमारे पास बचता गया है सी के लिए 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 108। परिवार के 3 बच्चों की औसत आयु पिता और बड़े बच्चे की औसत आयु का कितना है? 20%। तो फादर की आयु हम रख लेते हैं एफ, बड़ा बच्चा जो है जेड मान लेते हैं, और एक परिवार के 3 बच्चों की औसत आयु, तीनों बच्चों की औसत आयु हम मान लेते हैं एक की एक्स, दूसरी की वाई और तीसरी की जेड। इन दोनों को, इन तीनों का औसत निकालेंगे तो किससे? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ओके, देन अब क्या कहता है? पिता और बड़े बच्चे की आयु का 20% है इनका औसत। औसत क्या है? ये, और ये किसका 20% है? इसका। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20/100 गुणा करके इसके साथ, ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 1/5। तो यहाँ सिर्फ 5 मिला है इसके नीचे और यहाँ पे मिला 3। आगे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अभी नहीं कर सकते, चलिए आगे देखते हैं ये क्या कहता है हमसे। यहाँ पे कितने अचर हैं हमारे पास, कितने वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू का हमें नहीं पता अभी तक? 5। एक तो एक्स है, दूसरा वाई, तीसरा जेड, चौथा एफ, और अभी माता जी एंट्री करने जा रही हैं, ठीक है। तो आगे ये कहता है कि अगर हम माता की आयु का योग, एक सेकंड, सबसे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे की आयु का क्या है, कितनी है? एक्स है, और अगर माता की आयु हम उसके साथ मिला देते हैं, एक्स के साथ माता की आयु लगा लो एम है, तो क्या बन जाता है? 39 ईयर्स इनका योग है। लेकिन इस दूसरी इक्वेशन में भी हमें दो वेरिएबल मिले, एक तो हमारे पास पहले से भी था एक्स, लेकिन दूसरा एक वेरिएबल और मिल गया, तो अब टोटल मिला करके हमारे पास 5 वेरिएबल हो चुके हैं। अब ये कहता है कि यदि पिता की उम्र दी है 26 वर्ष, तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू रख भी दें 26 वर्ष, तब भी हमारे पास 4 वेरिएबल अभी बचे हुए हैं जिनकी वैल्यू को हमें पता नहीं। 4 वेरिएबल की वैल्यू हम इन दो इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम इस सवाल का आंसर नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है? डी। तो डी इज़ राइट। अब चूंकि हम तो आप बच्चों के लिए ही इतने विस्तार से समझा रहे हैं, जहाँ पे शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी शॉर्टकट भी आपको बता देंगे, जहाँ भी वो एप्लीकेबल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना हर एक शॉर्टकट पे भी, लॉन्ग कट पे भी, कि आपको कम से कम लिखना पड़े। यदि आपने एग्ज़ाम में इतना ही लिखा जितना हमने लिखा, तो फिर आपको रीजनिंग के 50 सवाल करने के लिए चाहिएंगे 2 घंटे। तो इसलिए कभी भी कोशिश इतनी अच्छी करना कि लिखना कम से कम पड़े और फटाफट आपके आंसर्स आते चले जाएँ। चलिए आगे क्या कहता है, 1996 में भारत का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2002 में उस दिन का नाम बताइए कि जब वह मनाया गया था। तो 1996 से चले हैं हम और 2002 तक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक ऐसी टैक्टिक बता देते हैं आपको कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक मोटी सी बात यह है, किसी भी डेट को आप इस साल ले लो, और अगर हम ये कहें कि आज 3 नवंबर है, टुडे इज़ 3rd नवंबर, एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहे हैं, 3rd नवंबर, और ये है क्या, 3rd नवंबर 2019 है, और दिन क्या है? संडे, एस यू से लिखा हमने इसको, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि अगले साल 3rd नवंबर कौन से दिन आए और हम पता करें, तो 2019 कैसा ईयर है? ये नॉन लीप ईयर या नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष है, लीप नहीं है, ठीक है। लीप क्यों नहीं है? क्योंकि 2019 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, लीप ईयर नॉन लीप ईयर तो आप समझते ही हो, क्लियर है। तो संडे के बाद दिन कौन सा आता है? मंडे। तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि मंडे हमारा अगले साल पड़ेगा इस ही डेट पे, 2020 में, अगर हम 2020 की बात करें तो मंडे हमारा इसी डेट पे पड़ेगा, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है अगर नॉन लीप ईयर की हम बात करें तो। लीप ईयर में देखना पड़ेगा कि वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, अगर वो 28 से पहले का है तो वो बढ़ सकता है, लेकिन कब बढ़ेगा? अगले साल, वो 2020 में नहीं, 2021 में जाकर के दिखाई देगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं अपने वास्तविक सवाल की ओर। वास्तविक सवाल हमारा कह रहा है कि हमने फ्राइडे को मनाया है और 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी हमने मनाई है। कब मनाई है जी? फ्राइडे को। एफ आर लिख दिया, खाली एफ लिख दो, आर भी नहीं लिख रहे हैं उसमें, ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होगी। 1996 की बात की, फ्राइडे में था ये। 1997 में क्या हुआ? फ्राइडे कैसा ईयर था? फ्राइडे था हमारा लीप ईयर, ठीक है। तो अगर ये नॉन लीप होता तो ये सैटरडे हो जाता,
लेकिन अब सैटरडे तो नहीं हो सकता ये दिन, 1997 की अगर हम बात करें तो ये अब चला जाएगा कब, संडे, SU से हमने लिख दिया, ठीक है, ये सैटरडे ना होकर के संडे, यानी कि 2 दिन अब बढ़ गए क्योंकि ये लीप ईयर के कारण, इस लीप ईयर के कारण। ओके, देन अब क्या होगा, 1998 हम पहुँच जाते हैं, तो यहाँ लीप ईयर कोई चक्कर नहीं है, तो संडे के बाद मंडे पहुँच गए हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1999 में आ गए हम, तो ये भी यहाँ भी लीप ईयर कोई चक्कर नहीं है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे में हो जाएगा ये। अब हम पहुँच गए 2000 में, 2000 में लेकिन 26 जनवरी फरवरी से पहले पड़ रही है, तो यहाँ पे अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन लीप ईयर है, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को ये पड़ जाएगा, लेकिन लीप ईयर ये आ चुका है, अब फरवरी आएगी तो वो तो 29 की हो जाएगी, तो अगले साल 2001 में क्या होने जा रहा है, अब 2001 में जो दिन ये पड़ेगा वो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आना चाहिए था, लेकिन थर्सडे नहीं आएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 2000 वाला लीप ईयर। अब 2002 में क्या होने जा रहा है, 2002 में अब लीप ईयर का झंझट खत्म हो गया, तो फ्राइडे के बदले भी आ जाएगा सैटरडे, ठीक है, तो सैटरडे हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में सैटरडे हमें दिया हुआ है, शनिवार हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। अब देखिए 2-3 मिनट हमने कम से कम इस सवाल पर लगाए सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अब हमारी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 110, तो ये साधारण गणित का सवाल है, कोई भी इसे बड़ी आसानी से कर सकता है, आप जस्ट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर याद रखो तो बहुत अच्छा है, खासतौर पर वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 560 के 40% के 30% के समान कौन है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी प्रतिशत लगा होता है उसके नीचे 100 लगाएंगे और इन तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह, ये हमें करना होता है, तो हम कैसे लिखेंगे सबको, 560 × 40/100 × 30/100, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला भी 0 कैंसिल, और यहाँ पे 2 0 थे, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, नीचे क्या बचा 10, ऊपर बड़ा ऊपर बचा 56, उसके बाद 4 और उसके बाद 3, तो 4 3 12, 12 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 672, और नीचे क्या मिला 10, तो ये हमें जहाँ से मिलेगा वही ऑप्शन हमारा राइट बन जाएगा। चलो देख लेते हैं कहाँ से मिलेगा ये हमें, पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, 15% ऑफ 80% ऑफ 280, तो हमने आपको बताया था कि जहाँ प्रतिशत लगाओ उसके नीचे 100 लिखेंगे, तो 15/100 × 80/100 × 280, ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ बचा 28, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 15, और नीचे कितना बचा 100, तो 15 8 जा 120, इन दोनों को मिला करके मल्टीप्लाई करके 120 मिल जाएगा, और उसको 28 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 0, देन 28 2 56 का 6 कैरी हुआ 5, और 21 1 21 और 5 33, 3360 अपॉन क्या आएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा हमारे पास अल्टीमेटली 3360/10, और पहले क्या आया था हमारा 672/10, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, जब आप अगला ऑप्शन ट्राई करोगे ऐसे ही तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शन भी चाहो तो आप ट्राई कर लेना, जैसे भी आपसे आपका आंसर मिल जाए आगे बढ़ने की ज़रूरत वैसे आपको है नहीं, एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको, इसके चारों ऑप्शन आप ट्राई करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी के 2 सूत्र होते हैं छोटे छोटे, वो हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं इस सवाल का आंसर लाने के लिए, 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है ये, तो ये कहाँ से शुरू होती हैं, ये शुरू होती हैं 10 से, ठीक है, उसके बाद आएगी अगली संख्या 11, फिर 12, और ऐसे ही 99 तक हम जाएंगे, तो सबसे पहले हमें n का पता लगाना कि कितने पद यहाँ से 10 से 99 तक होंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे, समांतर श्रेणी है ये, 10 से हम 11 पे पहुँचे, 11 से 12 पे, तो एक एक का अंतर हर जगह मिल रहा है हमें, सर्वांतर यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई यहाँ पे, और हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अंतिम पद जो 99 दिया अगर वो लिखे हम तो वो इक्वलेंट होगा किसके, a+(n-1)(d) के, और n की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 हमें पता है प्रथम पद a होता है, तो 10+(n-1) और d का हमें पता है कितना 1, तो d से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है,
तो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी, मिल जाएगी हमें 90। अब एन हमें मिल चुका है, एक फार्मूला हमें मिल चुका है, क्या था ये फार्मूला, अंतिम पद इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको अगर आप एल करना चाहो तो एल कह दो, ठीक है, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा पहला फार्मूला है। जिन बच्चों ने भी मैथ्स ज़्यादा अच्छे नहीं पढ़ रखा, खासतौर बायो बैकग्राउंड के, उनके लिए हमने ये डिटेल में बता दिया। पहला फार्मूला लग चुका है, एन की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी है 90। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले पे। दूसरा फार्मूला अब हमें पूरी सीरीज का पता चल चुका है कि 90 पद यहाँ से यहाँ तक होंगे, डी की वैल्यू होगी एक, और ए की वैल्यू आपको पता ही है 10 है, तो इसके लिए फार्मूला होता है एस एन, यानी कि इन सभी पदों का योग इज इक्वल टू एन अपॉन टू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर टू ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे हम लगाएंगे डी ब्रैकेट क्लोज। डी की वैल्यू रखोगे 1, एन की वैल्यू रखोगे कितना 90, और जब इसको आप सॉल्व करोगे आंसर हमारा आ जाएगा 4905। तो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 112 पे। एक आयताकार खंड की विमाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, यदि इनका माप दोगुना कर दिया जाए तो पुराने और नए खंड के के बीच अनुपात क्या होगा, ये पता करना है। तो बहुत आसान सा है, आई थिंक इससे आसान सवाल आपको मिल नहीं सकता कहीं। अब जब इसकी पुरानी विमाएँ थी तब इसका आयतन क्या था, V1, ठीक है, V1 इज इक्वल टू 3 × 4 × 5। अब V2 हो गया नया आयतन, तो V1/V2 लिख सकते हैं, और 3 के बदले क्या हो गया 6, 4 के बदले हो गया 8, और 5 के बदले हो चुका है 10, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, और यहाँ पे भी 2 मिलेगा, मतलब 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 1/8। तो V1 और V2 का रेशियो क्या हो गया 1:8। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 113 नंबर, लड़कियों की एक पंक्ति में कांता बाएं से 12वीं और कीर्ति दाएं से 8वें स्थान पर है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक तो पहले आप देख लीजिए, ये होती है कि L प्लस R, यानी किसी एक की पोजीशन अगर हमें लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है, दोनों ओर से पता है, तो फिर टी मतलब टोटल कितने बंदे उसमें हैं या बंदियां हैं या छात्र या छात्राएं पंक्ति में लगी हैं, लाइन में लगी हैं, वो टोटल कितना है ये पता लगा सकते हैं, और यहाँ पे होता है 1। तो एल प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1, ये हमारा फार्मूला होता है, इसी का हम आगे जाके इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए, पहले उसने क्या कहा, 12वें पोजिशन पर है कांता, किधर से है ये, बाएँ से 12वें, तो बायां इधर होता है एल, यहाँ पे बैठी है कांता के ए, ठीक है, क्या पोजीशन है 12वीं पोजीशन है 12th, ओके, और कीर्ति बैठी है यहाँ पे कहीं, इसकी दाएं से पोजीशन क्या है 8वीं, कीर्ति सपोज यहाँ पे बैठी KIR, ठीक है, क्या पोजीशन है 8th। अब जब इन्होंने स्थान बदला तो कांता कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई जहाँ पे कीर्ति थी, और कीर्ति कहाँ पहुँच गई जहाँ पे कांता थी, लेकिन अब कांता की पोजीशन क्या हो गई है, कांता की पोजीशन अब हो गई है 15वीं, कहाँ से, बाएं से, बाएं से ये 15वीं पोजीशन पे पहुँच चुकी है, ठीक है, जबकि राइट से कितनी है ये, अभी भी 8 है, क्योंकि ये कीर्ति के स्थान पे आई है, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया आपको, अब लेफ्ट से इसकी पोजीशन पता चल गई, राइट से भी इसकी पोजीशन पता चल गई। अब हम वापस चलें अपने बेसिक फार्मूले पे, क्या था फार्मूला हमारे पास, एल प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1, ओके, तो एल की पोजीशन क्या है 15, आर क्या है 8, इज इक्वल टू टी प्लस 1, तो टी इज इक्वल टू 22। 2 सेकेंड का सवाल था ये, मुँह जवानी भी किया जा सकता है अगर थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की हो तो, ठीक है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप और कर लेना, इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, उनके सबके लिए हम एक लिंक दे देंगे, हमारे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, इनफैक्ट ये आप आगे जा करके विदाउट कॉपी विदाउट पेन भी कर सकते हो। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा यहाँ पे, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 114, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 1/2, 1/3 और 1/4, और उनका परिमाप दिया है 52। आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, हम तीनों भुजाओं का योग करके हम परिमाप निकाल सकते हैं, अनुपात हमें दिया है, तो अनुपात को अगर हम किसी अज्ञात चर से गुणा कर दें लाइक एक्स से, तो 1/2 एक्स हमारी पहली भुजा होगी, 1/2 एक्स, ऐसे ही 1/3
तीन एक्स हमारी दूसरी भुजा होगी और इसको भी हम प्लस कर लेते हैं इसके साथ पहली वाली के। अब तीसरी वाली हमारी बनेगी 1/4x, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है, तीनों भुजाओं को जब हमें योग करेंगे ऐड कर देंगे तो ये परिमाप बन जाएगा जो कि हमें दिया है 52। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे 12 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 52, और यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 48। एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 48। अब हमें चाहिए क्या, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, ये 1/4 के साथ जो हमने एक्स लगा करके रखा था अनुपात को हमने ऐड किया था, तो 1/4x था, एक्स वैल्यू रखो यहाँ पे 1/4 इंटू 48, यानी कि 12 हमारा आंसर होगा। देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहता है, चार व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष। इसका मतलब इन चारों के टोटल जो है इस समय जब 19 वर्ष आयु है औसत, तो 19 × 4, होल्ड ऑन थोड़ा सा, 19 हम सही से बना रहे हैं, ओके, 19 × 4 यानी कि टोटल यहाँ पे T1 कहा हमने, ये T1 हो गया 76, ओके। 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद हर एक की आयु दो दो साल बढ़ चुकी होगी, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 84, ठीक है, लेकिन नया औसत क्या हो जाएगा, चार ही बंदे अभी भी हैं, तो कितना 84 बाय 4, चार लोग हैं ना, तो 21 इनका नया औसत हो गया। दोनों औसत का बीच का डिफरेंस कितना है, पहले 19 था अब 21 हो गया है, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया औसत में 2 का, और पुराना औसत कितना था, 19, यानी कि 19 पे 2 का डिफरेंस आया, तो इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5.26, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमें 10.52 मिलेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है 10.52 हमें दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कहता है, कैलाश गोविंद और हरिंदर बुद्धिमान हैं, कैलाश को हमने लिखा क्या, के ए, गोविंद जी ओ, और कौन है तीसरा, हरिंदर HR, ये क्या है, ये सब के सब बुद्धिमान, बी से हमने लिख दिया, बी यू, चलो बी यू कर लेते हैं। उसके बाद कैलाश राजेश और जितेंद्र, ये क्या कर रहे हैं, परिश्रमी हैं, कैलाश राजेश और जितेंद्र, कैलाश राजेश आर ए और जितेंद्र JT, ये कौन है, परिश्रमी, पी ए परिश्रमी लिख दिया हमने इनको। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, राजेश हरिंदर और तीसरा स्टेटमेंट, राजेश हरिंदर और जितेंद्र, राजेश हरिंदर HR और जितेंद्र, ये क्या है, ये ईमानदार हैं, तो ई से हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। और चौथा स्टेटमेंट और है, कैलाश गोविंद इनके जीव गो, होल्ड करिए एक सेकंड, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, जीव गोविंद एंड जितेंद्र अभिलाषी हैं, क्या है ये अभिलाषी। अब इसने हमसे पूछा कि ऐसा कौन है इनमें से जो विकल्प दिए हैं जो ना तो अभिलाषी है और ना परिश्रमी है, तो देखो कैलाश तो अभिलाषी है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, गोविंद भी अभिलाषी है ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, और राजेश, राजेश जो है वो परिश्रमी है तो वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बचता क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिया गया हरिंदर, ठीक है, तो हरिंदर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 117 में हमें लाइन खींच के बताना कि कितनी लाइन रिक्वायर्ड होंगी, कितनी लाइन्स की आवश्यकता पड़ेगी जब हम एक से दूसरे पॉइंट को मिला पाएंगे, तो आप ए से शुरू करो, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, ए से इस कॉर्नर पर गए, यहाँ डी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, कितनी लाइन खींची, 5, ओके। फिर हम चलते हैं किसके पास,
एक ही तो पांच हो गई, चलो बाद में हम उनको और भी दिखा देते हैं। एक ही पांच हुई है, एक ही पांच। अब बी पे चलते हैं, सॉरी एच पे चलते हैं। तो एच से देखो यहाँ पे गए एक लाइन, दो तीन चार पाँच, तो इस पे भी पांच लाइन खींची, टोटल हो जाएंगी, यहीं पर टोटल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम जी पे पहुँचेंगे तो एक लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, चार खींचेंगे तीसरी बार में। एफ पे पहुँचे तो एफ से यहाँ तो हो चुकी है ऑलरेडी लाइन, इस पे भी हो चुकी है, इस पे भी हो चुकी है, तो एफ से अब सी पे रहेगी, डी पे रहेगी और बी पे रहेगी, तीन लाइन अब और खींचेंगी। कितनी हो गई, पाँच पाँच, दस चार, चौदह और तीन, 17 तब तक हो चुकी हैं। हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं जी एच, ई एफ, एफ पे पहुँच चुके हैं। अब ई पे चलते हैं, 17 लाइन हो चुकी हैं अब तक, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ई पे जैसे ही हम जाएंगे, देखिए हम ये सब हटा देते हैं, ई पे चलते हैं। ओके, और ई से हम देखो ये लाइन हमारी फ्रेश होगी, ये लाइन हमारी फ्रेश होगी, यानी कि 17 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी, 19। ठीक है, 19 लाइन्स हमारी अब तक हो चुकी हैं। अब हम पहुंचेंगे डी से, डी से हम बी को मिला देंगे, एक और हो जाएगी, तो टोटल कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 20। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब देखो क्या कहता है कि पाँच अगर हम सबसेक्ट कर दें, घटा दें फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन एक भिन्न के अंश और हर में से अगर हम पाँच घटा दें, इट रिड्यूसेस टू 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाती है। इफ़ टू इज़ एडेड, अगर दो हम ऐड कर दें दोनों में तो क्या बन जाता है, ये इट बिकम्स 2/3। तो हम ऑप्शन से पता करेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन फिट बैठेगा। चाहो तो आप पहले को ट्राई कर लो, पहले शुरू से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज़ आपको अंदाज़ा हो जाए तो और अच्छा, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कितना, पाँच। तो पाँच में से पाँच अगर हम माइनस कर देंगे और नीचे 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 0/4। लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इट रिड्यूसेस टू क्या कह रहा, 1/2। 1/2 तो नहीं आ रहा हमारा, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। जैसे ही आप दूसरे को ट्राई करेंगे आपका दूसरा ऑप्शन राइट बनेगा, आपको ट्राई करके देखना, फटाफट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा काम हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं ताकि वीडियो भी छोटी हो जाए और आपको समझ भी अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए, टू वर्ड्स ड्यूबियस एंड इनडिस्प्यूटेबल में जो रिलेशनशिप है वो किस किस में है। तो ये रिलेशनशिप इंग्लिश वर्णमाला का सवाल है, ये इसमें और इसमें है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर, प्राइवेट को इसने कोड किया है 1 2 3 4 5 6 7 और रिस्क को किया है 2 3 9 8, हाउ विल बी रिवेट्स कोडेड। तो देखो आर को क्या कोड दिया है इसने, आर को दिया है यहाँ के हिसाब से देख लो, और इसको यहाँ पे भी दिया है आर, और यहाँ पे भी दिया है आर, यहाँ पे इसको दिया है 2 और यहाँ पे इसको क्या दिया है, पी आर, बिल्कुल यहाँ पे भी 2। तो आर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2। आर को मिला है 2, तो हमारा आंसर किससे स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, सभी 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई को देखो, आई को क्या मिला हुआ है, पी आर आई, आई को आई को मिला है 3, 2 के बाद हमारे आंसर में 3 आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, अब इनमें कोई भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद हमने देखना वी को क्या आया, तो वी इज़ फोर्थ, वी यहाँ पे देख रहा हूँ फोर्थ लेटर है, यहाँ पे फोर्थ क्या है, 4 है, तो 2 3 4 होना चाहिए हमारे आंसर में, 2 3 4, 2 3 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचते हैं सी एंड डी। आगे जाके ऐसे ही आप देखोगे एस के लिए, देख लो आर आई एस के, एस के लिए आया 9, तो हमारा 9 से एंड होना चाहिए हमारा नंबर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे एंड हो रहा है और हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 21 देखो, यहाँ पे क्या कह रहा था, अमाउंट ऑफ वाटर इन ए बैरल डबल्स एवरी मिनट, हर मिनट में जो पानी की मात्रा है वो किसी बर्तन में डबल हो जा रही है। ठीक है, और इस तरह से वो पूरी तरह से भर जाता है 60 मिनट्स के अंदर।
तो कितने मिनट में वो आधा होगा? तो आधा जैसे ही वो हुआ होगा, अगले मिनट वो पूरा भर गया है। और अगला मिनट कौन सा था? 60वां। उससे पहले कौन सा मिनट होगा? 59वां। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 59 मिनट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 122। टू नंबर्स आर सच दैट देयर डिफरेंस, देयर सम एंड देयर प्रोडक्ट्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस दिस एंड दिस। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज दिस। तो हम ऑप्शन में चले जाते हैं। हमें जिस ऑप्शन पे ज़्यादा उम्मीद है उस पर हम पहले ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एनीवे हम तो पहले से ही ट्राई करके बता देते हैं आपको। कहा उसने कि दोनों का डिफरेंस, अगर वो नंबर का प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर का, सपोज एक नंबर है हमारा एक्स, दूसरा है वाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स वाई। तो अगर ये है 6, तो एक नंबर एक्स क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है, सिंस देयर डिफरेंसेस 2 3 6, एक 2 हो सकता है, दूसरा 3 हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 2 और 3, वो 1 होगा ही होगा। माइनस प्लस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? देयर सम, सम क्या होगा? इन दोनों का 2 और 3 का सम हो जाएगा 5। तो 1 मिल गया और 5 मिल गया, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 6 मिल गया। इनका रेशियो अगर हम देखेंगे तो 1 5 और 6 का होना चाहिए, जो कि मैच नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम दूसरा ट्राई करेंगे, तीसरा ट्राई करेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 100%। आप एक बार ट्राई करके ऐसे ही करके देख लेना, ठीक है। 123 देखिए। ए बैट्समैन हैज़ ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 11 इनिंग्स। 11 इनिंग्स के लिए उसका जो एवरेज है वो दिया है, मतलब इसको दिया तो नहीं है। इन द 12th इनिंग्स ही मेड 90 रन्स। 12वीं इनिंग में उसने क्या किया? 90 रन बना दिए। एंड हिज एवरेज गॉट रिड्यूस बाई 5 रन। अब उसका एवरेज जो था वो 5 रन गिर चुका है। हिज न्यूज एवरेज इज, तो उसका नया एवरेज क्या होगा? अब देखो बच्चों, इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिंपली 2 सेकंड के अंदर ही आंसर आ जाएगा। हम इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहे हैं। 11 इनिंग की इसने बात की, औसत इसने बताया नहीं। सपोज औसत था एक्स, तो औसत को अगर हम इनिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रन उसने कितने बनाए थे 11वीं इनिंग तक, वो हमें पता चल जाएगा। ये होगा हमारा T1। तो T1 इज इक्वल टू 11 × x। होल्ड ऑन, थोड़ा एक्स सही से बना दें। 11x हमारा पुराना टोटल है उसका, जब तक 11 इनिंग पूरी की उसने इतने रन बना लिए। एक्स वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन जब 12वीं इनिंग आई उसमें उसने 90 रन बना लिए हैं। लेकिन अब उसका औसत तो गिर गया ना, कितना हो गया औसत उसका? औसत हो गया उसका x-5। लेकिन इनिंग तो 12 हो गई, तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नया टोटल मिल जाएगा T2, ठीक है। तो जब 12 इनिंग खेली तो उनका जो टोटल आया वो ये आ गया है, ठीक। लेकिन इन दोनों इनिंग के बीच में ऑब्वियसली 90 का ही डिफरेंस रहेगा। तो T2-T1 अगर हम कर दें, T2-T1 दैट इज इक्वल टू 90। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर करके यहाँ से रख देते हैं। ये हो जाएगा 12x x-60, ठीक है। और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? 11x। यहाँ से हमें x कितना मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 150, 150 हमें मिल जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, उतना सॉल्व नहीं कर रहे, थोड़ा सा टाइम बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हम काफ़ी डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो x का मान हो गया 150। इसका मतलब T1 की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 हमें T1 की वैल्यू मिल चुकी है। और ऐसे ही हम से पूछा क्या गया है, T2 की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल लेंगे। उस हमसे नया एवरेज पूछा गया है, तो T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। नया टोटल जो आएगा, नया टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1740। लेकिन औसत निकालने के लिए 1740 को हम क्या करेंगे, 12 इनिंग का जो कि औसत हमें निकालना है, तो इसे हमें 12 से डिवाइड करना होगा। और इस प्रकार हमें मिल जाएगा क्या, 145। कौन सा ऑप्शन में दिया है हमें ये? 145 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 124। ये भी बेहद आसान प्रकार का सवाल है, और यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 10 से 420 में से क्या घटाएं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम जैसे ही पहला नंबर घटाएंगे हमें मिलेगा क्या? 10404, ठीक है। और 10404 किसका स्क्वायर होता है? 51 का, ओ सॉरी, 51 इंटू 2 150,
102 का, 102 का, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, 16, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए प्रश्न संख्या 125 में क्या हुआ कि इसने इंटरचेंज कर दी पोजीशन, प्लस को माइनस से बदल दिया, माइनस को प्लस से बदल दिया, ऐसे ही चार जहाँ पे था उसको 8 से, और 8 जहाँ था उसको 4 से बदल दिया। तो ऐसे जैसे ही आप करोगे तो हमें पहला वाला रिलेशनशिप बिल्कुल फिट मिलेगा, ठीक है। 4 के बदले क्या हो जाएगा, 8, और माइनस के बदले प्लस 4, 8 4 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस दिया, इसको माइनस कर देंगे, 12 माइनस 12 मतलब 0। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 126, देखिए द फोर्थ ऑफ हर्ड ऑफ काउ इज इन द फॉरेस्ट। एक चौथाई जो है काउ उसका मतलब हर्ड मतलब झुंड गायों का, एक झुंड गायों के झुंड का 1/4 कहाँ पे है, फॉरेस्ट में है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैज गॉन टू माउंटेन, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, जितने हर्ड में एनिमल थे, पशु थे, गाय थी, उनका स्क्वायर रूट का दुगना कहाँ पे गया, पहाड़ में चला गया, ओके। और बाकी बचे हुए 15 आर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बाकी 15 हैं जो कि रिवर बैंक पे हैं, ओके। तो टोटल नंबर बताना है कितना। अब अगर आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर पहली बार तो होना चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कौन सा है, एक तो 100 है और दूसरा 36। पहले 36 को ट्राई कर लेते हैं। तो इसने क्या कहा, 1/4, 36 का 1/4 कितना हो जाता है, 9। तो 9 एनिमल, 9 गाय तो हमारे पास हैं जो कि फॉरेस्ट में गई हुई हैं। और उसके बाद 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6, 6 का दोगुना करेंगे तो 12, ये हमारे पास कहाँ गई हैं, माउंटेन में, ठीक है। पहली फॉरेस्ट में, दूसरी माउंटेन में, 12। अब बचती हैं कितनी हमारे पास, 15। तो इन सबको ऐड करो कितना हो जाएगा, 12 9 21 15 36, दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127, एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस 10 पीपल प्रेजेंट शेक हैंड विद ईच अदर वंस, हाउ मैनी शेक हैंड्स विल बी देयर ऑल टुगेदर, मतलब जितने लोग थे, कितने लोग थे, 10 किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया एक बार, तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है एन इन टू एन माइनस वन अपॉन टू, एन क्या है 10, तो 10 × 9 बटे 2, 2 से काटेंगे 10 9 45 हमारा आंसर। तो 2 सेकेंड का ये आंसर होता है। आपको कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस ट्रिक पे भी आप प्रैक्टिस कर लेना, हम आपके साथ लिंक शेयर कर लेंगे, कौन कौन सी और वैरायटीज इसमें आती हैं, किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे, आप उनसे परिचित हो जाओगे। फिलहाल इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128, ये कहता है कि स्ट्रीट पे जो है, एक सड़क पे 1000 बिल्डिंग है और एक पर्सन को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट उन पे 1 से 1000 तक के नंबर लिखने का, तो कितनी बार वो 0 लिखेगा। तो आप जानते हो कि वो कहाँ से शुरू करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली, और 1000 तक लिखेगा, ठीक है। तो 1 से जब वो स्टार्ट करेगा तो 0 कहाँ पर आएगा, पहली बार उसको 10 में मिलेगा एक 0, फिर 20 मिलेगा, ऐसे करके उसको कितने 0 मिल जाएंगे, 100 में 2 0 होंगे, तो ऐसे करके 11 0 उसको मिल गए, ठीक है। और ऐसे ही मिलेंगे आपको उसको, ये तो 100 तक हो गए 11, उसके बाद मिलेंगे उसको 101 में भी एक 0, 2 में भी, ऐसे करके कितने 0 हो गए, 9 0 एक्स्ट्रा मिल गए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और 11 तो आ ही आएंगे, तो ऐसे करके आप टोटल कर लोगे इनको 1000 तक, तो 192 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि इसको ट्रिक से भी किया जा सकता है, बट यहाँ पे इतना है नहीं कि हम आपको ट्रिक सिखाने के लिए कहें, फिर भी आप इसकी वैरायटी देखना चाहते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अगर सवाल में आता है तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। लिंक के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, ओके। बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स हम आपके साथ वहाँ पर शेयर करेंगे डेफिनेटली। 129 देखिए, इन ग्रुप ऑफ 15 पीपल साथ क्या करते हैं, फ्रेंच पढ़ लेते हैं, 8 पढ़ते हैं इंग्लिश, जबकि 3 उनमें से कुछ भी नहीं पढ़ते, हाउ मनी ऑफ देम रेड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, उनमें से कितने ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग बोल रहे हैं फ्रेंच, टोटल नंबर दिया हुआ है 15, और साथ ही क्या दिया है, जबकि 3 इन दोनों में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पढ़ते, ना तो हिंदी पढ़ पाते हैं, ना ही वो सर इंग्लिश पढ़ पाते हैं, ना वो फ्रेंच पढ़ पाते हैं। इसका मतलब टोटल जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 12 लोग, 12, ठीक है। तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये कुछ भी नहीं, बहुत ही छोटा सा सवाल है, ये बात बात हूँ, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा,
ये कुछ वो हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, इनके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो इंग्लिश जुड़ते हैं बोलते हैं, ठीक है। 7 लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो फ्रेंच बोल सकते हैं, 8 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, और 3 हमें पता चल गया कि वो लोग हैं जो कुछ भी, नो वन, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बोलने बोलने वाली बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी लोग होंगे जो कि सपोज एक्स हैं, वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते होंगे, ठीक है। टोटल बोलने वाले लोग कितने हैं हमारे पास, 12। तो 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए कितना, 7 प्लस 8, हो 7 प्लस 8, और ये जो एक्स 2 बार आ जाएगा तो इसको एक बार हम माइनस करेंगे, ठीक है। 7 प्लस 8 माइनस x, यानी कि 15 हो जाएगा यहाँ से, हमें 15 माइनस x इज इक्वल टू 12, तो एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3। यानी कि 3 लोग ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। देखिए ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन आपका सही है बी, तो हम बी टिक कर देते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण वीडियो की ट्रिक्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि बगैर ट्रिक के आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाओगे, जिससे आप पूरे सवाल हल नहीं कर सकते। पूरे तो वैसे भी किसी का हल नहीं हो पाते, एक दो गलत जरूर हो जाता है, मतलब एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते बगैर ट्रिक की बदौलत। तो आपने ट्रिक पे अच्छी एक्सपर्टीज़, अच्छी महारत हासिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी कार्य को ए अकेला 6 दिन में करता है, बी अकेला करता है 8 दिन में, दोनों ने 3200 रुपये में कार्य पूरा करने का जिम्मा लिया, सी की सहायता से दोनों ने कार्य 3 दिन में पूरा कर दिया। अब सी भी आ गया, ठीक है, तो ए कर रहा था 6 दिन में, बी कर रहा था 8 दिन में, ठीक है। तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया जी, 1/6, बी का कितना हो गया, 1/8। लेकिन जब तीनों मिले तब काम कितने दिन में हो गया, 3 दिन में पूरा हो गया, यानी कि तीनों मिलाकर के जब काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/3। इसमें से ये दोनों माइनस आप कर दो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि सी का 1 दिन का काम कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल काम है ये वाला, और इसमें से हमने माइनस किया है ये पूरा ब्रैकेट, ओके। तो चलिए इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 1/24 इज इक्वल टू 1/C, यानी कि सी जो है वो अकेला 24 दिन में कर सकता है इस काम को, ठीक है। अभी सबको हटा देते हैं, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें पता चल गया है कि ये तो 6 दिन में कर रहा था, बी 8 दिन में कर रहा था, और सी जो है वो 24 दिन में अकेला काम कर रहा था इस काम को। तो यहाँ से हम इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 1/6 कर देंगे, इसका 1 दिन काम ये होगा, इसका कितना होगा, 1/8 होगा, और इसका कितना होगा, 1/24। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन दिख रहा है आपको, जो सबसे कम टाइम में कर रहा है, कौन कर रहा है, ए, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे एलसीएम लिया हमने इन तीनों का, तो क्या मिला हमें, 24 एलसीएम मिला। अब इनकी क्षमताओं का अनुपात हमें निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 6 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 4, 4 1 4, यहाँ पे ही आ जाएगा। फिर रेशो का निशान लगाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिलने जा रहा है 3। और फिर उसके बाद रेशो का निशान लगाएंगे यहाँ पे अनुपात का, फिर से हम वही करेंगे, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। तो ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया 4, 3 और 1। इसी अनुपात में हम इनको मिलने वाली राशि देने वाले हैं, यानी कि ए को सबसे ज़्यादा, बी को उससे कम, और सी को सबसे कम। अब यहाँ पे अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो टोटल राशि के इतने हिस्से बनेंगे, यानी कि 4, 3, 7 प्लस 1, 8 हिस्से बनेंगे टोटल राशि के, और उन 8 हिस्सों में से एक हिस्सा किसके पास जाएगा, सी के पास, तो 1/8 हो जाएगा, और 3200 रुपये टोटल राशि है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 400। सी को मिलेंगे 400, बी या ए का पूछे तो आप अकॉर्डिंगली निकाल लेना। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा यहाँ पे है 400 बी में, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर चलाना उन लोगों को, खासतौर पर जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की जो कि अभी कम प्रैक्टिस में है। एनीवेज चलिए 131 नंबर सवाल देखते हैं। 5 किलो अपमिश्रित चावलों में से 2% पत्थर है तथा शेष चावल है। 5 किलो मतलब 5000 ग्राम, ये क्या है, चावल टोटल है इतना, इसमें पत्थर कितना है, 2%, 2% है पत्थर, 200 में से, तो 5000 में से कितना, 2 0 2 0 कट जाएंगे, हमें बचा 100, यहाँ पे 100 मिला, यानी कि 100 ग्राम है पत्थर। तो चावल कितना ग्राम प्योर बचा, 4900 ग्राम, और 100 ग्राम था इसमें पत्थर, और टोटल था कितना, 5000 ग्राम। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे आशा करते हैं। अब क्या हुआ, आधा पत्थर उसने हटा दिया है, ठीक है,
तो आधा पत्थर हटा दिया मतलब कितना, 50 ग्राम पत्थर हटा दिया। अब कितना बचा, सिर्फ 50 ग्राम पत्थर बचा है, और चावल अभी भी वहीं का वहीं है, 4900 ग्राम, 50 ग्राम आ गया पत्थर। अब परसेंटेज पता निकालनी है, लगानी है कितनी है, टोटल कितना हो गया, 4950। ये सब चीज़ें आप नोट करते चले जाओ, क्योंकि कई बार हमें स्क्रीन साफ करनी पड़ती है। टोटल हमें मिल गया 4950, उसमें 50 ग्राम क्या है, पत्थर। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म कर लो आप। ठीक है, इसका नहीं करते, इसका करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, अब यहाँ बचा 5, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। 100/99 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.01। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी हमें क्या निकालना था, परसेंटेज ही निकालना था ना। हाँ ठीक है, 1.01 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो ये सवाल है 132 नंबर, ये बेसिक सवाल है चाल समय वाले चैप्टर का, मैथ्स का। तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने तय करनी है, और पहले सपोज मान लिया हमने कि इसकी जो स्पीड थी एरोप्लेन की वो सिर्फ एक्स किलोमीटर पर आर थी, तो डिस्टेंस अपॉन डी अपॉन स्पीड, डी अपॉन एस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। डिस्टेंस दी हुई है हमें 600 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे 600 अपॉन, स्पीड हमने मान ली एक्स किलोमीटर की थी पहले, तो टाइम कितना लग रहा था, टी टाइम लग रहा था। पहली इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनेगी, अब स्पीड कितनी कर दी, 200 किलोमीटर कम कर दी है, डिस्टेंस वहीं की वहीं रही, तो अब टाइम कितना लगने जा रहा है, स्पीड हो गई अब -200, एक्स -200, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कितना लग रहा है उसके हिसाब से, आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट, तो टी +1/2 लगेगा। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई, अब हमें क्या चाहिए, टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू हम अगर 600 अपॉन एक्स दूसरी इक्वेशन में रखते हैं तो हमें टी की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी, और जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी, और ये इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 2t² +t -3। करके देख लेना, क्योंकि एक चीज़ अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे करके तो वीडियो फिर बहुत लंबा होने जा रहा है, जो मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट जिसको बेसिक नहीं आता वो प्लीज़ अपने इसको करके देखेगा तो आसानी से आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने की भी ट्रिक आती है, आप वो हम लिंक शेयर कर लेंगे, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर हम आपको आंसर बता देते हैं, टी इज इक्वल टू या तो 1 मिलेगा, या हमें मिलेगा यहाँ पर टी इज इक्वल टू -3/2, सॉरी जो भी हमारा माइनस में आएगा ये, तो 3/2, हाँ 3/2, तो चूँकि माइनस में आ रहा है इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आंसर हमारा बनेगा टी इज इक्वल टू 1 बनेगा, कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन है यहाँ पे ये पहला, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला सवाल 133, 13 संख्याओं का औसत दिया है 68, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का 63 औसत है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है वो 70 है, तो पता लगाना है कि सातवीं संख्या क्या होगी। अब आप जानते हो औसत का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, हम टोटल लेते हैं जो भी हमें टोटल मिल जाता है टी, और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर से। यहाँ पे संख्याएं दी हैं कितनी, 13, तो 13 से डिवाइड करके हम टोटल का औसत निकाल सकते हैं। क्या औसत दिया हमें, 68 दिया है, तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, 13 × 68 क्या मिल जाएगा हमें, 884, ये होना चाहिए हमारा टोटल। आगे क्या कहता है ये, कि प्रथम 7 संख्याओं का जो औसत है वो है 63, तो 7 × 63 अगर हम कर लें तो ये हमें मिल जाएगा T1। पहले क्या मिला था हमें T, जो कि 884 था, यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड में T = 884। T1 हमें मिलेगा 63 × 7, यानी कि 441। ऐसे ही हम T2 निकाल देंगे, T2 निकालेंगे हम किससे, बाकी 7 संख्याएं जो है बाद की उनका जो औसत है वो 70 है, तो T2 हमारा हो जाएगा 77490। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 931, जबकि हमारा पहले कितना आ रहा था टोटल, 884। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 47, तो 47 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में निम्न आकृति में पंचभुज बताने हैं, तो पंचभुजों की यहाँ पे जो संख्या होगी वो होगी 12, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए एक त्रिभुज तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये होल्ड ऑन, ये 5 तो ऐसे हो गए। ठीक है,
अब आप किसी भी लाइन पे आप जाओगे, यहाँ पे सपोज हमने इसको कहा ए पॉइंट, इसको कहा बी पॉइंट्स, ठीक है, इसको कहा सी पॉइंट, इसको कहा डी पॉइंट, इसको कहा ई पॉइंट। तो ए बी जो लाइन है उसको आप ओ से मिला दो यहाँ पे, तो ए बी ओ जो एक ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है, ऐसे ही बनेगा। ई से हम शुरू करेंगे तो ई से यहाँ पे ओ के बदले ओ एफ, और यहाँ पे एक पॉइंट और बचा, जी कर लो या कुछ ऐसे जो भी है, ऐसे करके बहुत सारे वो बनेंगे। आप काउंट करोगे तो पांच और हो जाएंगे, टोटल 10 एंगल यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 136, मजदूरों की संख्या दी है, इतने मजदूर काम की घंटे जो हैं वो इससे इसके बीच में दिए हुए हैं। 15 मजदूर हैं तो 44 से 40 के बीच में वो काम कर रहे हैं इतने घंटे, 25 मजदूर काम कर रहे हैं 35 से 39 के बीच में, और ऐसे ही बाकी। तो कितने परसेंट मजदूरों ने 40 या उससे ज़्यादा घंटे काम किया है, टोटल मजदूर हो कितने रहे हैं? हमारे पास जो टोटल मजदूर हैं वो 40, सॉरी 20, 15, 35 प्लस 25, 60 प्लस 16, 76 प्लस 4, 80 हैं। 80 मजदूर हैं जिनमें से 40 घंटे या उससे ज़्यादा काम करने वाले मजदूर कितने हैं? 35, ये दोनों, ठीक है। 35 आउट ऑफ 80, इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 35 × 10 यानी 350, 350 बाई 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 32, फिर 30, 8 3 ज़्यादा तो 43 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, या 43 होल समथिंग समथिंग। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, इनके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है ये, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। तो 3/5 का राशि प्रकोल क्या होगा? व्युत्क्रम होगा इसका 5/3, लिख लेते हैं ये होगा 5/3, और ऐसे ही 7/3 का 3/7 हो जाएगा व्युत्क्रम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 21। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3 7 7 3 5 35 यहाँ से मिलेगा, और प्लस 9 हमें मिलेगा यहाँ से, अल्टीमेटली यहाँ पे 44/21 हमें मिलेगा। और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल गया कितना? 21/44। कौन से ऑप्शन में दिया है? ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 नंबर, यहाँ पर क्या कहता है? वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, जो अंदर वृत्त दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना? 9 पाई। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? πr², तो चलिए निकाल देते हैं। क्षेत्रफल निकलेगा एरिया, एरिया इज इक्वल टू πr², ठीक है। एरिया में दिया है 9 पाई, तो हम यहाँ 9 पाई लिख देते हैं, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, r² = 9, तो r इज इक्वल टू हाउ मच? r = 3, ठीक है। जब 3r हो गया तो r आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ही तो r होगा, और इधर को मिला देंगे फिर से आर हो जाएगा। तो इसका जो व्यास निकलेगा, या कहीं कहना चाहिए जो वृत्त का, वृत्त की एक भुजा है वो कितनी है? वृत्त की भुजा ए कह सकते हैं, सॉरी वर्ग की भुजा ए है, ए इज इक्वल टू कितनी होगी? 6, और 6 होगी तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a², तो a² = 36। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 99% सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल भी आपको परेशान करने वाले नहीं थे, लेकिन महारत चाहिए ट्रिक्स की और बेसिक्स की, इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी। देखिए यदि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है शशि, तान्या शशि से 25% अधिक दक्ष है, इसी कार्य को करने में कितने दिनों में पूर्ण कर सकती है? तो हम ऑप्शन में चले जाते हैं, कई बार ऑप्शन में जाना बड़ा फायदेमंद होता है, बहुत टाइम बचा देता है। सपोज पहला ऑप्शन सही है आपका, तानिया 15 दिन में उस काम को कर रही, तो फिर से वही करते हैं, इसको मान लेते हैं कि जो शशि है, एस शशि, वो कर रही है 20 दिन में, तो उसका 1 दिन काम हो जाएगा 1/20, और ऐसे ही तानिया वो कर रही है 15 दिन में, तो 1/15 ये उसका 1 दिन का काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता कि एफिशिएंसी जैसे हमने पहले सवाल में निकाली थी, जब निकालते हैं हम यहाँ कार्य क्षमता की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 15 20 का एलसीएम होगा 60, 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 3, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 4, और 3 और 4 का इनका एफिशिएंसी रेशियो होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको 100 माने तानिया को, यानी कि 4 जिसका रेशियो आ रहा है उसको अगर हम 100 माने, तो ये कितना हो जाएगा शशि? ये 75% उसकी उसके उसमें कंपेरिजन में एफिशिएंट होगी। तो
तो 25% का दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि एक टेबल याद रखनी है। क्या है टेबल? सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, हमें रिमाइंडर निकालना होता है और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग इसको हल करना होता है। चुटकियों में हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर रिमाइंडर हमें मिले 1, तो हम क्या करते हैं, वाई ईयर में हम जोड़ देते हैं कितना, 6। अगर रिमाइंडर हमें मिलता है 2, तो ईयर में हम कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं। अगर रिमाइंडर में हमें मिल जाए 3, तब भी हम क्या करते हैं, वाई जो ईयर दिया है हमें उसमें 11 जोड़ देते हैं। और अगर रिमाइंडर में मिलता है 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई में ईयर में 28 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी टेबल है। अब ये रिमाइंडर आएगा कहाँ से, ये आएगा इस ईयर से। हमसे कौन सा ईयर के बारे में पूछा गया है, 2011 दिया गया है हमें, तो हमसे पूछा गया कि दो कौन सा ईयर ऐसा होगा जिसमें सेम कैलेंडर होगा। हमें गिवन ईयर क्या है, 2011। 2011 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। आपको पता है कि 11 में अगर हम 4 का भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना आता है, 3। और इस टेबल के हिसाब से अगर हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो ईयर में यानी कि 2011 में हमने क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 2022 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड का ये सवाल था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है जो कि पुल को पार कर रही है। रेलगाड़ी की अपनी लंबाई दी हुई है, सबसे हम क्या करेंगे, इसकी चाल देखें कैसे दी है, मीटर प्रति सेकंड में तो नहीं दी, किलोमीटर में दी है। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जब इसे बदलेंगे, तो हम क्या करते हैं, और बस एक छोटा सा शॉर्टकट ही कह लो आप उसको, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 25/2। अब ये चाल किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में आ गई, क्योंकि हमें समय सेकंड में दिया था, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में जाना ज़रूरी था। और लंबाई भी इसने मीटर में दी थी, अगर ये सब किलोमीटर में दिया होता और मीटर पर आर में दिया होता, तब हमें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज, नई चाल हमें मिल गई है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के बाद। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें ये देखना है कि कितना टाइम वो लेती है। टाइम होता है टी, अगर वो पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई भी पार करेगी, प्लस पुल की लंबाई भी वो पार कर रही होगी। होल्ड ऑन, तो होल्ड ऑन क्या हो गया, ओके। तो पुल की लंबाई उसकी होगी पी, अपनी लंबाई होगी रेलवे ट्रेन की आर, और स्पीड नहीं क्या आ गई, 25/2, ठीक है। अपनी लंबाई उसकी दी है कितनी, 130। तो पी प्लस 130 अपॉन 25, और 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट के साथ लगा देते हैं इसको। और टी में दिया है 30, 2 से 30 को हम काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो कितना आ जाएगा, 375 इज इक्वल टू पी प्लस हाउ मच, 130। यहाँ से पी इज इक्वल टू 245 हमें मिलेगा, और ये हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अब कन्फ्यूजन से बचने का रास्ता क्या है इस सवाल में, 142 में हमें प्लस का इसने कहा है कि गुणा है, और ऐसे ही गुणा को इसने कहा कि भाग होगा। तो हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, प्लस का गुणा, सॉरी डिस्टमेंट, प्लस का है गुणा, ठीक है। गुणा का क्या है, गुणा का है भाग, और फिर भाग का है क्या माइनस, और माइनस का है प्लस। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 17, और ऊपर लिख लेते हैं 17 दिया है, प्लस हमें क्या दिया है, 15 दिया है, प्लस हमें क्या दिया है, सॉरी माइनस 135 और इंटू 9 दिया है, और हमें दिया है डिवाइडेड बाय 70। अब हम साइन जब चेंज करेंगे, 17 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस के बाद क्या लिखेंगे, टेबल में देखो मल्टीप्लाई लिखेंगे, 17 × 15 हो जाएगा, माइनस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस की जगह लिखेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 135 एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह लिखेंगे हम भाग, तो ये 9 हो जाएगा, और उसके बाद जो भाग दिया जाएगा उसके बदले हम क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 70। ऐसे करके हमें इक्वेशन मिल गई है। अब आप बहुत मास के हिसाब से सबसे पहले किसे यहाँ सॉल्व करने जा रहे हो, डिवीजन को, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, 15 लिखेंगे हम इसके बदले, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे ये दिया है 17 × 15 यानी कि 255, ठीक है। उसके बाद ये है -70, तो -70 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, अब एडिशन का नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ये हो जाएगा 270, और माइनस क्या दिया है, 70। तो अल्टीमेटली 200 हमें मिला, और ये कहाँ पे दिया है, कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो सी इज राइट।
नेक्स्ट इज 145। श्रृंखला दी हुई है और श्रृंखला में पता करना कि कौन सा नंबर आगे हमारे पास आना चाहिए। 6 से 7 पे हम गए, 6 से 7 पे, 7 से 9 पे, यानी कि पहले 1 का गैप, 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 8 का गैप, तो फिर 16 का गैप हो गया, तो आपकी बार 32 का गैप होना चाहिए। 32 इसमें हम ऐड करेंगे 37 में, तो कितना मिलेगा हमें 69। देखिए 69 कहाँ पे दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में, हमें वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा और ये हमें मिलता है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और श्रृंखला दी है 1, 8, 27, यानी कि सब क्या है, घन है। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, तो 5 का भी घन ही होना चाहिए हमारे पास, लेकिन इसमें दे दिया 100, तो 100 है गलत, यही हमें छांटना था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 3:30 पर घड़ी की 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें क्या करना होता है हमें, इसके लिए एक ट्रिक होती है। सबसे पहले हम इस ट्रिक को ही लिख लेते हैं, ये ट्रिक क्या होती है, ये ट्रिक होती है हमारी 30 और यहाँ पर लिखते हैं एच, दोबारा लिखते हैं, ये तो गंदा हो रहा है, 30H - 11/2 × m, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम जस्ट मोड लगा देते हैं, मोड लगाने का फायदा ये होगा कि इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, प्लस ही मान के हम उसको आंसर करेंगे। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 3 घंटा 30 मिनट, तो घंटा क्या है, एच हमारे पास है 3 और मिनट कितना है हमारे पास 30, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 30 × h मतलब 3 घंटा 3 है हमारे पास, और -11/2 × m कितना है 30, तो यहाँ से इसको हम कट कर देंगे तो ये यहाँ से पूरा मिल जाएगा 165 और यहाँ से मिलेगा 90 - 165, इसका मतलब -75, लेकिन माइनस को हम मानेंगे ही नहीं, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन, जस्ट मोमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी का समय शीशे में दिया है 5:10 सही समय क्या है। मिरर इमेज की बात है, मिरर इमेज के लिए भी ट्रिक आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो देख लेना, हम लिंक शेयर कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें जो घंटा दिया है वो दिया है 5 और जो मिनट दिया है वो दिया है 10, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, घंटे को 11 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 11 - 5 मतलब 6, और ऐसे ही मिनट को हम किस में से माइनस करेंगे, 60 में से, तो यहाँ बचेगा 50, 6:50 हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी दिशा संबंधी प्रश्न है हमारा 147, क्या कहता है कि अनिता स्थान ए से चली पश्चिम की ओर, डायरेक्शन तो आपको पता ही होंगे, एक बार फिर से बता देते हैं जिन लोगों ने नहीं पता, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं होगी, तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ और ये होता है ईस्ट और हमारे लेफ्ट होता है वेस्ट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहता है कि ए से 2 मीटर पश्चिम, ए है पॉइंट डी ए, यहाँ से अगर वो पश्चिम में जा रही है तो 2 मीटर यहाँ पे गई होगी वो और 2 मीटर गई है वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वह दाएं मुड़ी, जब भी कभी दाएं मुड़ेगी, मुड़ेगा कोई, तो रिंगिंग की है ट्रिक है या नियम है आप कह सकते हो कि वो हमेशा क्लॉकवाइज जा रहा होगा, और अगर बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो यहाँ से अगर वो क्लॉकवाइज जाएगा तो क्लॉक ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज जाने का मतलब वो ऊपर की तरफ चला गया है, तो ऊपर गया और कितने मीटर चला यहाँ पे वो, 3 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ा, जब भी बाएं मुड़ता हमने बताया नियम ये है कि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा, तो वो इधर की तरफ आ गया, इतना चला 5 मीटर चला, फिर उसके बाद क्या किया उसने, बाएं मुड़ा मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज आया वो, मतलब नीचे की तरफ आ गया और कितना चला, 3 मीटर चली, चलानी चली, ठीक है। तो यहाँ से 3 मीटर ऊपर गई थी वो, वापस 3 मीटर नीचे आई, मतलब इसी लेवल में वो सामने की तरफ आ गई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी, और यहाँ से यहाँ तक का आपको पता है कितनी थी, 2 मीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 7 मीटर। तो इस थ्योरी को आप याद रखना, जब भी कभी डायरेक्शन में हम दाएँ मुड़ेंगे तो हम क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, बाएँ मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही होंगे, ये नियम है, इससे आप कंफ्यूजन से बच सकते हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ मुड़े हैं तो किस तरह जा रहे होंगे हम। 148 देखिए, घड़ी में 4:30 हैं, यदि मिनट की सुई पूरब की दिशा की तरफ है तो घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी,
तो घड़ी बना लेते हैं सबसे पहले। घड़ी हमने बनाई तो देखिए क्या होता है, घड़ी में ये दी है घड़ी, 4:30 जब हो रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 12 बज रहे हैं, सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ तो 12 बजते हैं और 6 यहाँ पे बजते हैं, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ पे 3, लगभग ये सीन रहेगा। तो जब 4:30 होगा तो घंटे की सुई तो 4 क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है, और उसके बाद मिनट की सुई यहाँ पे होगी जस्ट 6 के अपोजिट। ओके, तो घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी? यदि मिनट की सुई पूरब की दिशा की तरफ है, पूरब उसको लग रहा है मिनट की सुई पूरब की दिशा की तरफ, इधर पूरब है तो यहाँ क्या हुआ पश्चिम, और अगर हम पूरब अपने राइट हैंड पर रखते हैं तो हमारे सामने क्या आता है नॉर्थ, नॉर्थ होगा यहाँ पे और वेस्ट होगा, ओ सॉरी साउथ होगा यहाँ पे। तो ये हुई हमारी दिशा, घड़ी की मिनट की सुई उसने कहा कि पूरब की तरफ है, ठीक है, ओके। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई जो होगी इन दोनों के बीच में होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर होना चाहिए, उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर, ये भी आपका डायरेक्शन पे बेस्ड है। राहुल एक स्थान से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, राहुल यहाँ पे कहीं है, ये पॉइंट आपका है ए, ठीक है, इस पॉइंट पे वो है 18 मीटर दक्षिण की तरफ तो चला गया, चलो चले जाते हैं 18 मीटर यहाँ पे, और उसके बाद क्या होता है वहाँ से बाएं मुड़ता है, जब भी हम कभी बाएं मुड़ते हैं तो हम एंटी क्लॉक वाइज जा रहे होते हैं, तो वो एंटी क्लॉक वाइज ऐसे जाएगा और 25 मीटर चलेगा, कितना चला वो 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा वो, जब वो बाएं मुड़ेगा तो फिर से एंटी क्लॉक वाइज जा रहा होगा, तो वो ऊपर की तरफ हो गया है अब, और 24 मीटर चला है वो, 24 मीटर चला वो इस बार, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ को मिला देते हैं, ठीक है, तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर की हो जाएगी। ओके, इसके बाद बाएं फिर से मुड़ गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज गया और 17 मीटर बी स्थान पर पहुंच जाता है, एंटी क्लॉकवाइज फिर से गया वो 17 मीटर, और 17 मीटर चलने का मतलब हो गया कि वो यहाँ कहीं पहुंचा है, पॉइंट बी है ये, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है 17 मीटर। ओके, इस समय वो अपने स्थान ए से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? और वो यहाँ पे था, ए से शुरू किया था उसने, तो यहाँ से यहाँ को मिला दो और यहाँ को मिला दो। अब हमारे पास क्या है कि अगर ये पॉइंट क्या है सी, तो बी सी कितना है, बी सी हमारा पता है 6 है, और ए सी कितना है, ए सी हमारा है 17 - 25 यानी कि 8, तो यहाँ से यहाँ तक वो है 8 मीटर की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक है 6 मीटर की डिस्टेंस। जब कभी समकोण त्रिभुज में ये आप देख रहे हो ये 6 मीटर की है, अगर ये जो है 8 मीटर की हो जाए तो उसका विकर्ण कितना होगा 10, तो 10 हमारा आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में हमें 10 मीटर मिल रहा है, तो 10 मीटर, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ और वेस्ट, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था से तो वो ईस्ट में था, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट होगी डायरेक्शन, 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा आपका। अब बचता है 150, 150 नंबर सवाल, 15 जुलाई 2012 को रविवार था, तो 15 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था? अब देखिए यहाँ पे हमने ये ट्रिक आपको पहले भी समझाई है, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया, 2012 से इसने स्टार्ट किया है, तो हम क्या लिख करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2012, सॉरी 12, और हमें दिन दिया गया है इस दिन संडे, SU लिख देते हैं हम इसको, संडे, ये लीप ईयर है और फरवरी के बाद आया, तो फरवरी इसमें जो है 28 नहीं बल्कि 29 दिन का रहा होगा, इसका मतलब 2011 में जो ये दिन पड़ रहा था, अगर लीप ईयर नहीं होता तो वो सैटरडे को पड़ता, लेकिन लीप ईयर आ चुका और अपना सर छोड़ चुका है, तो ये फ्राइडे को रहा होगा 2011 में। 2010 में क्या रहा होगा, ये थर्सडे को रहा होगा, TH हमने इसको लिख दिया। 2009 में क्या रहा होगा, ये भी नॉन लीप ईयर है बाकी सबके साथ, चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो, यहाँ पे एक दिन हटा दो तो वेडनेसडे को रहा होगा। अब अगर 2008 की बात करें, और हम बात कर रहे हैं 2009 से हम लौट रहे हैं, तो अब ये फरवरी की तो बात आएगी नहीं, तो इसका मतलब लीप ईयर का फर्क पड़ेगा नहीं, हालांकि ये लीप ईयर तो है लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम 29 फरवरी से नीचे चले जाएंगे यानी कि जनवरी और फरवरी की हम बात करेंगे किसी डेट की, तब लीप ईयर यहाँ मैटर करेगा। तो अभी क्योंकि लीप ईयर मैटर नहीं कर रहा, सीधे एक दिन घटा दो, वेडनेसडे से पहले क्या आएगा,
ट्यूसडे, तो TUES ट्यूसडे हमारा आंसर होगा। देखिए मंगलवार कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा इस तरह से राइट हो जाता है। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स टैक्टिक्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपने एफिशिएंसी बनानी है तो, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर का हमें समझाने में आपको टाइम लगा है, तो आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इस पर टाइम बचाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।